TV, I'm Alicia Fernandez. Well, in today's specific episode, we have with us Murtuza Ali, who's the founder of Apna Bada. Hello, sir. Welcome to Prime TV. Hello. Thank you. Sir, to start with, everybody is aware that Apna Bada is an app-based taxi. So, initially, as per our last interview, which we had a discussion, usme baat hui thi ki hum log, aap log March month mein Goa mein launch honge. So, abhi tak aap... If you could just tell us what is the delay that has been doing in terms of getting launched in Goa as full-fledged? Due to COVID condition and protocol और जो यहाँ का law and order situation था 144 imposed था, तो हमें soft launch या virtual launch करना पड़ा, but we are in Goa. हम अपने cabs के साथ, अपनी services के साथ Goa में हैं, और अभी फिलहाल COVID की situation में भी हम लोग अपनी services कोविड पेशेंट्स को, उनकी फैमिलीज को, डॉक्टर्स को, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंटलाइन जो आपका स्टाफ है, और जो इमरजेंसी सर्विसेज में जो लोग बाहर निकल रहे हैं ड्यू टू कर्फ्यू एंड ऑल, तो उनको अपना बड़ा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा भी रहा है, एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, so sir, as I was supposed to discuss with you, it was supposed to be in March, if I'm not mistaken. But usme thoda sa delay aa gaya hai, considering the other aspects and the other protest which was going on very intensely in the state of Goa because of taxis and allowing app-based taxis into the state of Goa. Dekhiye, koi bhi nayi cheez jab aati hai, to uske liye विरोध भी होता है. हमने शुरू से कुछ चीज देखी है, कोई नए कॉन्सेप्ट को, नई टेक्नोलॉजी को, नए प्रोजेक्ट को, नए प्रोडक्ट को, नए लोगों को अपने बीच में एक्सेप्ट कराने के अंदर थोड़ी दिक्कत तो आती है. एंड वी वर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट के हमें ये प्रॉब्लम्स आनी है, और स्ट्रेटेजिकली हमने उसको फेस किया है. अपना उस जो बर्डन जो हमारे ऊपर पड़ने वाला था, उसको स्ट्रेटेजिकली हमने कम किया है, अपनी टीम को मोटिवेटेड रखा है. बर्डन कंपनी के ऊपर काफी कुछ रहा, और सबसे बड़ा एक जो इशू था वो ये था कि अपना भाड़ा के बारे में लोगों को पता नहीं था, ना तो प्रोजेक्ट के बारे में पता था, पूरी अवेयरनेस नहीं थी, ना प्रोजेक्ट के फंडर्स के बारे में पता था, ना प्रोजेक्ट के ब्रांड के बारे में पता था, ना ही इसके डिफरेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पता था. तो हमने उस टाइम को पूरी तरीके से एज ए अपॉर्चुनिटी कैच किया. जब स्ट्राइक हुई और जब हमें भी कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, पूरी तरह से हमारे पास क्लियरेंस नहीं थी. अभी की सिचुएशन के अंदर जब हम लोग आए हैं, तो हम लोग अपनी पूरी तरह से प्रिपेयर होके आए हैं. स्ट्राइक्स जो हुई थी, जो एजिटेशन हुआ था, उन लोगों को भी अभी पूरी तरीके से रिप्लाई मिल रहा है. उन्होंने एजिटेट तो किया ग्रुप लेवल पे कि नहीं आना है एथिकली, या जो उनकी पॉलिसी रही हो, जो एक यूनियन होती है, जो एसोसिएशन होती है, या आप कहें कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए अपोजिशन जो होता है, उसका काम होता है अपोज करना. देवर डूइंग देयर जॉब, और उनके उस प्रोटेस्ट से थैंकफुल आज गोवा के लोग हमें पहचान गए. हमें मतलब उन लोगों ने हमें इतना वेटेज दिया, इतना तवज्जो दिया कि कहते हैं ना कि किसी चीज को बद से बदनामी बुरी. हमने काम गलत किया नहीं, लेकिन उसकी जो बदनामी हमारी हो गई, जो लोगों ने हमें जिस तरीके से कंट्रोवर्सी करी, वो एक होता है जब एक मूवी जब लॉन्च रिलीज होने वाली होती है, और उसके पहले अगर उसके किसी कास्ट के ऊपर, किसी थीम के ऊपर, किसी स्टोरी के ऊपर अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो कंट्रोवर्सियल चीजें भी फेमस हो जाती है और लोग उसको देखना पसंद करते हैं. तो अभी लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, इन लोगों ने, टैक्सी ड्राइवर्स ने, लेकिन उस कंट्रोवर्सी की वजह से, उस क्रिएशन की वजह से आज गोवा का बच्चा बच्चा हमको पहचान रहा है. और अब वो टाइम आ गया जब लोग इंतजार में थे कि सर्विसेज कैसी होगी, तो आज वो सर्विसेज देने का टाइम आ गया. ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया कि इस कोविड के टाइम पे हम अपनी सर्विसेज बेस्ट से बेस्ट लोगों को दे पाए, ताकि जो एक माइथोलॉजी लोगों के दिमाग में हमारी अपोजिशन ने, जो टैक्सी ड्राइवर्स ने जो बना दी थी, अभी हमारे पास एक मौका है कि हम अपनी सर्विसेज को बेस्ट से बेस्ट दे पाए, एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे पाए, सर्विसेज दे पाए, लोगों की सेवा कर पाए, ताकि हमें आगे के लिए उस जो एक नेगेटिविटी थी लोगों की, वो पॉजिटिविटी बनाने का हमको एक मौका मिला है. सर, बट आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे गोवा में गोवा माइल्स ऑलरेडी एक ऐप बेस्ड टैक्सी प्रेजेंट है,
बट उसको जो रिस्पॉन्स आ रहा है उतना अच्छा नहीं आ रहा है. सो ये सब कुछ आपने बहुत स्टडी किया है, हम आपके साथ बात किया है प्रीवियस इंटरव्यू में भी, जहाँ पे आपने क्लियरली बोला था कि आपने पूरी गोवा मार्केट को समझ रखा है कि गोवंस को क्या चाहिए. सो ऐसे सिनारियों में जब गोवा माइल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, गोवा प्राइवेट टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन भी है, सो आप इस मार्केट में आप जब उतर रहे हो कि उतर चुके हो जैसे आपने बोला अभी, सो उसमें आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है? देखिए, चैलेंज कुछ नहीं होता. चैलेंज तब होता है जब आप कुछ कर नहीं पा रहे. और रहा सवाल गोवा काम करने का, तो देखिए, एक ऐप एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जो वर्ल्ड वाइड रिनोन्ड है, प्रूवन है, पूरे इंडिया में जो चीज सक्सेस हुई, अगर वो गोवा में सक्सेस नहीं हुई या गोवा माइल सक्सेस नहीं हुई, तो उसके पीछे मैं रीजन किसी और को नहीं बोलूंगा, सबसे बड़ा रीजन खुद गोवा माइल्स है. वो अपनी सर्विसेज को प्रूवन नहीं करा पाए, वो अपनी सर्विसेज बेटर नहीं दे पाए, वो अपने आप को एक्नोलेज नहीं करा पाए गोवा के अंदर, टूरिस्ट को एक्नोलेज नहीं करा पाए. आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, टैक्सी प्लेटफॉर्म है, इसको यूज कौन करने वाला है. हर जगह का अपना एक यूज होता है. अगर मेट्रो सिटी की बात करें तो वहां पे लोकल पैसेंजर, आपको अगर ऑफिस जाना है आप यूज करेंगे, मुझे कॉलेज जाना है, मेरी फैमिली को मार्केट जाना है, शॉपिंग करने जाना है, हम लोग अलग अलग व्हीकल यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे. लेकिन एक टूरिस्ट प्लेस लाइक गोवा, तो टूरिस्ट टारगेट होना चाहिए. तो गोवा माइल्स जैसे ने अपने टारगेट को अचीव ही नहीं किया. जैसे आपने अभी भी बोला कि हर जगह की एक नीड्स होते हैं, एज पर दैट दे द टैक्सी एग्रीवेटर्स और फॉर दैट मैटर द टैक्सी द ओनर्स डिसाइड अपॉन हाउ टू गो अबाउट एंड ट्रैवल इन द स्टेट ऑफ गोवा. बट इन गोवा इफ यू सी स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है अभी के लिए, बिकॉज देर इज नो टैक्सी, पीपल आर नॉट यूज टू टेकिंग अ टैक्सी, एटलीस्ट द लोकल्स राइट नाउ, अंटिल अनलेस इट्स गोइंग टू द एयरपोर्ट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इफ यू गो टू सी इन द लॉन्ग रन. Because people are more specific, they have their own vehicle and they go about, and there is no Ola Uber as well in the state of Goa at the moment. And plus the existing taxis, if you have a closer look, the fare is always an issue. So aise mein apna bada kya different hoga isme? Dekhiye, sabse pehle to target customer ki baat hoti hai. To jahan apne baat kari Goa Miles ya fir private taxi operators ki, तो इन्होंने टारगेट करा कस्टमर को एयरपोर्ट पे उतरने के बाद. इसलिए जब कस्टमर उतरता है तो आपस में इनमें झगड़ा होता है, या जो इनकी लोकेशन होती है कस्टमर होटल में जब होता है, तब कस्टमर जब चूज करता है उस टाइम पे झगड़ा होता है. हमने टारगेट करा टूर ऑपरेटर्स को, पैकेजेस टूर्स को, ताकि कस्टमर जब गोवा में आए उसके पहले वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि उसने क्या यूज करना है. तो वहां पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और इसीलिए हमने प्राइमरी हमारा जो ऑफर था कि हमने कस्टमर जब हमारी लॉन्चिंग से अगले दो महीने तक, अगर अभी कोविड नहीं होता तो यहाँ पे टूरिस्ट होता, तो मैं अप्रैल जून 15th ऑफ जून टूरिस्ट सीजन रहता है, ये सीजन में हमने टारगेट करा था कि हम जो भी टूरिस्ट उतर रहे हैं उनको हम लोग फ्री राइड प्रोवाइड कराने जा रहे हैं. अब एक टूरिस्ट अगर गोवा में आता है तो उसका ऑलमोस्ट 8,000 से 10,000 रुपए, अगर वो 3 से 4 दिन रुकता है तो उसका टैक्सी के ऊपर जाता है. तो वो चाहे गोवा माइल्स हो चाहे प्राइवेट ऑपरेटर हो, दोनों को उसको पैसा देना पड़ेगा. लेकिन अगर वो अपना भाड़ा को यूज करता तो उसको कोई चार्ज पे करने की जरूरत ही नहीं थी. अब ऑपरेटर भी हमें सपोर्ट करते क्योंकि उनका कॉस्ट कम हो रहा था, पैकेज टूर का कॉस्ट कम हो रहा था, तो उसकी वजह से सर्टेनिटी बनने वाली थी बिजनेस की. जब उसको कोई चीज फ्री में मिलेगी किसी टूरिस्ट को, तो किसी के लिए कॉम्पिटिशन का रास्ता ही नहीं बचता, पहली चीज. दूसरी चीज, अब उसके बाद आती है गोवा के लोकल लोगों को टैक्सी की कितनी नीड है या नहीं है. तो बट ऑब्वियस उनको नीड नहीं है, पर कई बार छोटे ट्रेवल के लिए कभी भी किसी कस्टमर को अपना भाड़ा का थीम ये रहा है कि अपना भाड़ा इज नॉट गोइंग टू लूज एनी कस्टमर एट एनी कॉस्ट. अगर हमको एक टूरिस्ट आज की तारीख में जब कोई ऑपरेटर सर्विस देने को तैयार नहीं है, कहीं पे कोई कस्टमर को सर्विस नहीं मिल रहा है, अपना भाड़ा आज भी आपके एरिया में, आपके गोवा में, छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े सिटी तक, सबसे पहले तो हम सर्विस दे रहे हैं कोविड पेशेंट्स को, कि अगर कोविड पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, कोविड सेंटर से
टेस्टिंग सेंटर पे उसको लेके जाना है, कहीं उसका टेस्टिंग है, कोई सिटी स्कैन या कोई और इस तरह का प्रॉब्लम है. वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे. सेकेंड, हम लोग उन कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं, जो उनको ऑपरेट जो उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं. मान लीजिए घर का एक फैमिली मेंबर है जो ड्राइव करता था, घर के सारे लोग ड्राइव नहीं करते, मगर अगर वही खुद पेशेंट हो गए कहीं किसी कोविड सेंटर में या किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, तो उसकी फैमिली डिपेंड हो गई, वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती. तो ऐसे में हम उनको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, हम डॉक्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, हम हॉस्पिटैलिटी वॉरियर्स को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि किसी को कम से कम मेहनत में जो है वो, क्योंकि इस टाइम पे कोविड में सबसे बड़ी जरूरत है कि आपको आपकी फैसिलिटी डोर स्टेप पे मिले, सेफ मिले और सिक्योर मिले. तो जब ये चीज अपना भाड़ा जब प्रोवाइड कराएगा तो अपने आप हम लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे. और ऐसा नहीं है, अपना भाड़ा अपने लिए, कस्टमर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए राइड फ्री रखा हुआ है, लेकिन जो ऑपरेटर हमारे साथ चल रहे हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ चल रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आया हो, चाहे वो हमारा अपना ड्राइवर हो जिसने अभी हमारे साथ नई कैब ली है और वो हमारे साथ एसोसिएट हुआ हो, चाहे वो फ्रीलांसर ड्राइवर्स हो जिनको अभी काम चाहिए और वो हमारे पास आते हैं, रजिस्टर करते हैं, उनको हम लोग डेली वेजेस पे हम लोग उनको पेमेंट करते हैं, या ऐसे ड्राइवर्स हो जो अभी प्राइवेट एसोसिएशंस के साथ में जुड़े हुए थे और वो हमारे साथ गारंटी कमिटमेंट 2500 रुपए पर डे वाले कमिटमेंट के ऊपर जो हमारे साथ में आए हैं, हम उनको भी राइड अवेलेबल करा रहे हैं. यहां तक के हमने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हमने अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व किया कि जो हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी डिमांड के हिसाब से कैब्स बढ़ाते, अपना भाड़ा 161 अपनी कैब लेके गोवा में उतरा, जिसमें से 22 कैब रोड पे आ चुकी हैं, 40 कैब हमारी आने को है जिनके पेपर्स वगैरह भी कंप्लीट होने हैं, और लेटर ऑन हमारे पास बाकी की कैब्स आनी थी. पर इन फ्यूचर हमारे पास जो कैब हमें बाहर से लेनी थी या और जो कैब परचेस करनी थी, उसकी जगह हमने ये जो टैक्सी ऑपरेटर जो बाहर चल रहे हैं, एसोसिएशन में चल रहे हैं, हमने नई कैब लेने की जगह हमने एक ऑप्शन उनको प्रोवाइड करा कि अगर वो चाहे अपना भाड़ा के साथ एसोसिएट होने के, तो अपना भाड़ा जो उनका बैंक लोन का आउटस्टैंडिंग है, जो उनके ऊपर एक बर्डन है डेली वेजेस में, हमने डिसाइड किया कि हम इस बैंक लोन के पैसे को भी अपनी तरफ से उसको रिकवर करा के, उसको पैसा चुका के, उनको नील पोजीशन में लाके अपने साथ में एसोसिएट कर रहे हैं, ताकि वो आराम की जिंदगी, चैन की जिंदगी बसर कर पाए. ये सारे एफर्ट्स हमारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे. डेफिनेटली, जैसे आपने अभी बोला है कि ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक में भी आप लोग अपने टैक्सी, यू मेक श्योर दैट यू अप्लाई बैक एंड फोर्थ विद रिगार्ड टू कोविड पेशेंट्स. सो व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे कैसे आप आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टू ट्रैवल बैक एंड फोर्थ इन द टैक्सीज? देखिए, सीधा हमने एक सिंपल तरीका रखा है, हमने अपना फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है. इवन लोग मुझे भी डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं और मैं कॉल अटेंड करके उनके लिए उनकी अर्जेंसी के बेस पे मैं उनको टैक्सी प्रोवाइड करा रहा हूँ. और हमारे ड्राइवर्स को भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको सेफ्टी के साथ में जाना है, पेशेंट को सेफ्टी से सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, और उनका फीडबैक भी ऑलवेज पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है. लोग हमको फोन करके, व्हाट्सएप करके थैंक्स भी बोलते हैं. उसी तरीके से ब्लेसिंग्स भी हमको मिलती है, हमारे ड्राइवर्स जो है वो हमारे साथ हैप्पीली काम कर रहे हैं. तो हमारा जो एक हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और एक कॉल नंबर दिया हुआ है, ये दो नंबर पे अगर कोई अर्जेंट बेसिस पे कोई मैसेज करता है या कॉल करता है, तो वी आर प्रोवाइडिंग देम कैब्स. लाइक व्हाट्सएप नंबर इज 9654255544, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं फिर रिपीट करूंगा, 9654255544. और अगर कोई डायरेक्टली अगर कोई व्हाट्सएप करना भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है और वो कॉल करके इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, देन ऑल्सो वी आर ऑलवेज विद हिम. और हमारा कॉल नंबर है 7838 again 7833. इट इज 7838 7833. मेरी टीम 24/7 इस नंबर पे अलर्ट है हम लोग सर्विसेज देने के लिए. उसके साथ साथ अगर पॉसिबल होता है कॉल मेरे पास फॉरवर्ड होके आती है, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज. इसके अलावा कई सोशल ग्रुप्स के ऊपर हमारे नंबर्स होते हैं,
लोग सोशली भी हमें इन्वॉल्व करते हैं, बुलाते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के रेफरेंस में भी करते हैं, कई बार मीडिया से भी कॉल आते हैं, कहीं अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी पेशेंट के लिए या उसके फैमिलीज के लिए, तो दैट ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, विच आई थिंक इज कमेंडेबल एट दिस टाइम. इट इज स्मॉल थिंग्स लाइक दीज विच मैटर बिकॉज एवरीबडी इज trying to do their bit for in this COVID pandemic, and I think you are doing an amazing job. Also now if in terms of if I may ask you, you all have been also working very actively with the government. You all have also put forth about your idea with the government and how government is supportive to your this initiative. देखिए लॉकडाउन के पहले सबसे पहले हमने आगे बढ़ के गवर्नमेंट को एक ऑफर किया कि जो वैक्सीनेशन का प्लानिंग है तो गोवा के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमने 1,00,000 वैक्सीनेशन के डोज गवर्नमेंट को ऑफर किए फॉर हॉस्पिटैलिटी फ्रंटलाइन हॉस्पिटैलिटी वॉरियर्स लाइक टैक्सी ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, होटल फ्रंटलाइन स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, वेटर्स एंड ऑल, लाइक कैसीनो स्टाफ, बार टेंडर्स एंड ऑल हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड और इंटरेक्टेड विद द टूरिस्ट. We offered that come forward. We are coming forward and do vaccination on priority basis to these frontline hospitality warriors. So that के जो tourists हमारे पास आएंगे, एक तो हम tourists को एक surety दे पाएं कि यहाँ पे वो corona infection से उनके उनके जो chances हैं वो minimize हो जाएंगे, lesser chances हो जाएंगे. और उसके साथ साथ अगर हम लोग गोवा के जो सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं, हमारे लिए भी एक सेफ्टी होगी कि बीच में एक बैरियर होगा कि टूरिस्ट के जरिए अगर कोई कोरोना का एक्सपेंशन होता है, उसकी स्प्रेडिंग होती है, तो उसके लिए जो चेन है वो इन्हीं फ्रंटलाइन वॉरियर्स के थ्रू ही आती है, या लाइक टैक्सी ड्राइवर्स हो या होटल के स्टाफ हो, हाउसकीपिंग स्टाफ हो, वेटर्स हो, इसके जरिए कोविड फैलने के चांसेस मैक्सिमाइज होते हैं. तो इसको मिनिमाइज करने के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे काम हो, इसके लिए हमने ऑफर किया था कि हम हमारी तरफ से एक स्टेप आगे बढ़ा के 1,00,000 डोज वैक्सीन के सीएम को, ऑनरेबल सीएम को हमने ऑफर किया था. मेल मेरा गया हुआ है और अभी तक तो मेरे पास उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि आइदर वैक्सीन गवर्नमेंट परचेस करने जा रही है इनके लिए या गवर्नमेंट हमें परचेस करके, हमें परचेस ऑर्डर लेके गवर्नमेंट को देना है या हमें गवर्नमेंट को पेमेंट प्रोवाइड कराना है. इस तरह का कंफर्मेशन अभी मेरे पास आना बाकी है. ऑल्दो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, अभी सीएम साहब के पास बड़ी प्रायोरिटी है कोविड, क्योंकि जो देखने में आ रहा है उसमें पॉजिटिविटी रेट गोवा का इंडिया में सबसे हाईएस्ट है. Correct. तो अभी अभी देखने वाली चीज ये है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है. और अपना भाड़ा आउट ऑफ द वे जाके जो हमारा बिजनेस नहीं है, जो हमारा टर्म्स नहीं है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एम्बुलेंस बट देन ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेस के समहाउ इसी तरीके से पेशेंट्स को जो है अपनी जगह पे ट्रीटमेंट मिल जाए या पेशेंट ट्रीटमेंट की जगह पे पहुंच जाए. क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर एक पेशेंट को जरूरत पे अगर हम उसको वक्त पे पहुंचा सके और किसी की सांसें बच जाए, किसी की एक लाइफ बचाने में भी अगर हम कामयाब हो गए, तो कितनी भी नेगेटिविटी गोवा में हो, हमें मेरी पूरी टीम को, टीम अपना भाड़ा को, मेरे प्रमोटर्स को, हमको सबको यह सुकून है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक. क्योंकि किसी की एक जान भी आज हम बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें अपने दिल में सुकून है कि हम लोग सही कर रहे हैं. डेफिनेटली आई थिंक थ्रू आवर मीडिया आल्सो सीएम मस्ट बी हैविंग अ लुक एट दिस एंड दिस ऑफर ऑफ योर्स एंड विल डेफिनेटली कंसीडर एंड दैट्स व्हाट वी कैन होप एट द मोमेंट. Also, in terms of, as you just mentioned, that you all are carrying COVID patients back and forth in your vehicles. So, what are the safety measures that you all are taking for non-COVID patients during the travel? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी टैक्सी हर एक पैसेंजर को ट्रेवल कराने के बाद फुली सैनिटाइज करी जाती है. Secondly, हम लोग COVID patient और उनके जो अटेंडेंट है उनके साथ और हमारे ड्राइवर्स पूरी तरह से जो है वो डिस्टेंस बना के रखते हैं और किसी भी तरह से हैंड कनेक्टिविटी या इंटरेक्शन होने के चांसेस मिनिमाइज है. क्योंकि ना तो फ्रंटलाइन हमारे ड्राइवर्स ने किसी तरह का पेमेंट उनसे रिसीव करना है, कोई कैश रिसीव करना है,
ना ही कस्टमर ने या पेशेंट ने किसी तरह का पेमेंट उनको देना है, ताकि किसी भी तरीके से हैंड कनेक्टिविटी या डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। सेकंड चीज, हमारी गाड़ी में हम किसी भी पेशेंट को फ्रंट सीट पे बैठना अलाउ नहीं करते। पेशेंट हो या उसके अटेंडेंट हो, दे विल सिट ऑन बैक सीट। और बैक सीट पे बैठने के बाद भी जो आफ्टर शिफ्टिंग द पैसेंजर हमारी गाड़ी सैनिटाइज होती है, और उसके बाद ही हम लोग किसी को वो सर्विस प्रोवाइड करा पाते हैं। So also now in terms of your this app based taxi, now what we are discussing, coming to the back to the same question of mine, government support, are you receiving good support from the government for this venture right now? देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए, सपोर्ट को लेके तो हम लोग आए भी नहीं है। पहली चीज, वी आर कंप्लीटली सेल्फ फंडेड एंटिटी। जो हमारे हमारे जो फंड प्रमोटर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनका फंडिंग है इसके ऊपर। किसी बैंक का इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई फंड नहीं है, पहली चीज। सेकेंड चीज, हमने कोई सब्सिडी डिमांड नहीं करी है गोवा गवर्नमेंट से, बल्कि हम एक नॉर्म्स जो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको पूरा करते हुए हम आ रहे हैं। और अगर हम बेटर सर्विसेज दे पा रहे हैं, हम सर्विसेज बेटर दे पाएंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट को रेवेन्यू बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, गोवा पब्लिक का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। हम आज कोई बेगिंग करने गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे कि हमें कोई एडिशनल सपोर्ट चाहिए, हमको टैक्स में रिबेट चाहिए या किसी भी तरह का कोई सपोर्ट। हाँ, हमने जो एक सपोर्ट मांगा है वो सिर्फ इतना है कि हमें इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, हमें जो आप प्रोवाइड करा सकते हैं वो प्रोवाइड कराएं। और जो न्यूसेस यहाँ पे फैला हुआ है, कंपटीशन फाइट हो, एक फेयर कंपटीशन फाइट हो, लेकिन अगर किसी तरीके से न्यूसेस फैला के, मिसचैप करके, हमारे साथ, हमारे ड्राइवर्स के साथ किसी तरह की मारपीट करके अगर किसी चीज को रोकने की कोशिश होती है, तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ गोवा गवर्नमेंट से, गोवा पुलिस से, गोवा प्रशासन से, दे विल हेल्प अस आउट कि हमें इस सिचुएशन के अंदर वो लोग इंसाफ दिला पाएंगे। क्योंकि अभी जो रिसेंटली हाईकोर्ट ने भी जिस तरह से कमेंट्स किए हैं, टिप्पणी करी है कि एग्रीगेटर को नहीं रोकना चाहिए, गवर्नमेंट किसी भी कानून में अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि गवर्नमेंट हमको रोक पाए। मैं इसको अपना घमंड में बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं इसको प्राउड समझता हूं कि हम एक ऐसा बिजनेस लेके आ रहे हैं, ऐसा फेयर बिजनेस लेके आ रहे हैं, ऐसा एडवांटेज लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, ड्राइवर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, विन विन सिचुएशन में हम लोग लेके आ रहे हैं कि हाईकोर्ट तक को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि एग्रीगेटर्स शुड कम एंड गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड पैसेज टू देम। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस टैक्सी ऑपरेटर्स आर एजिटेटिंग, एंड फॉर व्हाट रीजन यू फील? देखिए, जब कोई नया इनोवेशन आता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं पुराने टेक्नोलॉजी पे काम करने वालों के लिए, कि या तो नए को एडॉप्ट कर लें, या फिर उसका एडॉप्शन दूसरे लोग ना करें उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश कर लें। पर कहीं भी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने से पहले हम आपके बेनिफिट्स के लिए आ रहे हैं। अभी वही टैक्सी ड्राइवर जो हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वही ड्राइवर्स, उनको ये पता है कि पिछली पेंडेमिक के अंदर जब 6 महीने तक या साल भर तक जो टूरिस्ट नहीं आए, तो उनका बैंक लोन किसने पे किया, उनका ब्रेड बटर किसने चलाया, कहां से उनका, आज वो आउटस्टैंडिंग उन्हीं के सिर के ऊपर है। और आज अगर हम आके सामने से आपको कहते हैं कि आपकी तकलीफ हम दूर करते हैं, आप हमारे साथ में आके खड़े होइए, तो आप टैक्सी चला रहे हैं, आपको पैसा वहां से भी मिलना है, पैसा हमारे टूरिस्ट के थ्रू भी मिलना है। और अगर उसके अंदर अगर आपके ऊपर से प्रेशर कम हो गया कि आपका बैंक लोन खत्म हो गया, हमने आपकी सबसे बड़ी तकलीफ को ही दूर कर दिया, तो प्रॉब्लम तो आनी ही नहीं चाहिए। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की मेंटेलिटी हो रही है, तो ये यहाँ के जो कुछ इन एसोसिएशन के कुछ लीडर्स हैं, हो सकता है उनकी कुछ पर्सनल ईगो हो, उनकी अपनी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट हो, जो शायद हम तक ना पहुंच पाया हो, या वो अपना इंटरेस्ट पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो ऐसा करेंगे। बट ट्रुथ ऑलवेज विंस। सो यू आर ट्राइंग टू, या
So you're trying to say that you're ready to accept these people in Apna Bhada as well? We are accepting these people. We are accepting. We are not ready to accept. Rather, we are accepting. Okay. So it's like, it can be considered as an open invitation right now to them. This is open invitation, and we are considering, since last a week, we are considering these type of people. Okay. And we are providing employment, or we are providing fare on priority basis, firstly to these people. Okay. Before you leave, one last question, sir. What I want to ask you is, right now, the COVID pandemic is going on. Definitely, we have heard what all works you've been doing, which is commendable. So in the next few years, or in the next down the lane, what is the major thing that you all are going to look forward here in Goa? देखिए, हमें सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि जो एक दाग गोवा के फेस के ऊपर लगा हुआ है टैक्सी सर्विसेज को लेके, हम देख नहीं रहे हैं, हम कमिट कर रहे हैं कि अगले चंद महीनों में या अगले एक दो साल के अंदर ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यही लोग जो आज हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कल हमारे साथ खड़े होकर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे विन विन सिचुएशन में। और मैं तो ये कहता हूं कि और भी एग्रीगेटर गोवा में आते हैं तो वी शुड वेलकम, क्योंकि कंपटीशन ऑलवेज प्रोवाइड सर्विसेज, कंपटीशन ऑलवेज प्रोवाइड्स बेटर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी सेविंग, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, एंड इन एनी टर्म्स यू कैन से, बट कॉम्पिटिशन तो होना चाहिए। मोनोपोली, अगर मैं ये भी नहीं चाहता कि कल मेरी मोनोपोली गोवा में हो, सिर्फ मेरा अकेले का प्लेटफॉर्म हो, तो हो सकता है कि शायद बेटर सर्विस मैं भी ना दे पाऊं। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि गोवा माइल स्क्रैप हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा प्राइवेट ऑपरेटर स्क्रैप हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई एग्रीगेटर ना आए। आई शुड थिंक के सबको आना चाहिए विन विन सिचुएशन में, सबको अपना अपना बिजनेस करना चाहिए, अपनी सर्विसेज देनी चाहिए, अपना बिजनेस बढ़ना चाहिए, ताकि जब सब लोग डेवलप करेंगे तो गोवा डेवलप करेगा। डेफिनेटली। वेल, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग टाइम ऑफ एंड टॉकिंग टू अस। इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। यस, कीप वॉचिंग योर फेवरेट चैनल प्राइम। कीप वॉचिंग प्राइम।